बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। CCNA राउटिंग स्विचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। IPv4 एड्रेसेस हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्लासलेस एड्रेसेस पढ़ ली, मतलब सबनेटिंग पढ़ ली, और VLSM। वैसे FLSM में हम लोगों ने इसकी एक वीडियो भी की थी, बनाई थी, FLSM वर्सेस VLSM। तो VLSM हम लोग पढ़ रहे हैं। VLSM में हम लोगों ने क्लास सी की VLSM कम्प्लीट कर ली, क्लास बी की VLSM कम्प्लीट हो गई, क्लासिक की एक पोर्शन हम लोगों ने बना ली। अब आते हैं थर्ड ऑक्टेट के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड ऑक्टेट के ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया, थर्ड ऑक्टेट के ऊपर आकर के काम कर लेते हैं। सही मेरे भाई, तो क्लास ए के हम लोग यहाँ पे VLSM पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने /16 तक काम कर ली थी सेकेंड ऑक्टेट। आज थर्ड ऑक्टेट के ऊपर काम करते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी इसके, रिक्वायरमेंट्स मैंने 8 तक कम्प्लीट कर ली। अब मेरे पास 9th रिक्वायरमेंट है। करना ये है कि एक IP के अंदर, एक IP में तमाम मैंने सबनेट्स बनाने हैं। VLSM कहते हैं किस चीज़ को, सबनेटिंग में सबनेटिंग कर लेना। हम लोग क्या करें, सबनेट बनाते हैं उसी में और जाके सब सबनेट बना लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 9th रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 32,000 होस्ट की ज़रूरत है। 32,000 होस्ट की ज़रूरत थी, उसके बाद 16,000 होस्ट की ज़रूरत होगी, उसके बाद 8,000 होस्ट, 4,000 होस्ट, 2,000 होस्ट, ठीक है, यहाँ पे 1,000 होस्ट, 500 होस्ट, 250 होस्ट, देखते हैं इसके ऊपर काम कर लेते हैं। लास्ट में आता हूँ, मेरे पास कोई IP एड्रेस है 10 डॉट्स। नेटवर्क बिट्स के अलावा मुझे कितनी, मुझे 32,000 होस्ट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128, 256, मेरे पास 8 यहाँ पे, मेरे पास कितने 8 यहाँ पे होस्ट बिट्स, 256 के आगे, तो 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32,000। तो मैंने करना यूँ है कि यहाँ पे सेकेंड ऑक्टेट तो मेरे पास फुल आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे मैंने एक बिट और ऑन कर लेनी है। क्या करनी है, एक बिट और ऑन कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 8 और 7, 15 मेरे पास बिट्स होस्ट के हो गए। तो 2 की ताकत 15 भी आप देख लें यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 15, 32,768 बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी सबनेट मास्क क्या होगी, 25.25.128.0। 128 क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 128 है, इसकी 64, 32, 16 और 16 के बाद 8, 4, 2, 1। तो अब यहाँ पे IP हम लोग यू लिख सकते हैं, 10.0.0.0/17 लिख सकते हैं नहीं। तो अब आते हैं, हम लोगों ने IP स्टार्ट करनी है, 10 डॉट रुक लेना है हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट लेंगे हम लोग, क्योंकि 254 से यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आएगा 255.0.0, नेटवर्क IP एड्रेस 10.255.0.1, फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस 10.255. यहाँ पे हम लोगों ने सोचते हैं थर्ड ऑक्टेट के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे कितने बिट्स हैं हमारे पास, 7, 2 की ताकत 7, 128 बनेगा नहीं, तो 0 से लेके 127 तक आना पड़ेगा, 127.254। लास्ट यूजेबल IP एड्रेस 10.255.127.255, 127.25 ब्रॉडकास्ट IP बनेगी। तो मेरे पास 32,000 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई नहीं। अब 16,000 की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं यहाँ पे 2 बिट और ऑन कर लूँ, यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 6 आपके पास कितने आएंगे, 14 आएंगे। तो 2 की ताकत 14 हमारे पास क्या आएगा, 16,384 आएंगे। ये अगर आप लोगों को याद थे, ये क्लास बी की नेटवर्क एड्रेसेस थी, याद थी। MS Excel में ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऑफिस 2016 हम लोगों ने देखा था, MS Excel की एक शीट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी थे, नंबर याद रखे। अब मैं इसके सबनेट मास्क देखना चाहता हूँ, 255.255.192.0। इसको मैं यू लिख सकता हूँ कि 10.0.0.0/18
8 to 8, 16, 17, 18. So, here we go. Now, let's start. Here, how many bits have we? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 raised to power 6 is equal to 64. So, 64 ke hisab se jana 10 dot, 2F5 dot. Kahan se 1, 28 dot, 0 se start karna hai. Network appearance 10.2f5.128.1 first usable appearance 10.2f5. dot. Abhi kahan tak jana hai? 64 hai to 191.254 last usable appearance 10.2f5.191.255 broadcast appearance hogi. Ek aur requirement mein mere paas complete ho gayi, kaun si? 16000 ki. Ab 8000 ki ek mere paas requirement hai, usko main yahan pe 10.0 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 to yahan pe 1 2 3 4 5 6 7 8 256 ho gaye mere paas. Theek hai, ab yahan se maine to main yahan pe 3 bits aur on kar leta hu. To subnet mask kya hogi? 25.25.224.0 10.0.0.0/19 लिख सकते हैं हम लोग यहां पे. तो आईपी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पे. 0 आपके पास 1 2 3 4 5 2 की ताकत 5 32. तो 32 के लिए से जाना पड़ेगा 10.25.192 से स्टार्ट होगा .0 नेटवर्क अपीयरेंस 10.25.192.1 फर्स्ट यूजेबल अपीयरेंस 10.25.32 के लिए से 223.254 लास्ट यूजेबल अपीयरेंस 10.25.223.255 ब्रॉडकास्ट अपीयरेंस बनेगी. ये मेरे पास 8000 की होस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई. अब 4000 होस्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं. तो मैं लिखूंगा यहां पे 10.1234567 8 यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 means 256 512 1024 2000 48 4096. तो 4 bits मुझे नेटवर्क के ऑन करने पड़ेंगे. आपके पास 8 16 16 4 20. तो सबनेट मास्क होगी 2f5.240.0 क्योंकि 192 224 240. तो हम लोग यूं लिख सकते हैं कि 10.0.0.0/20 लिख सकते हैं. अब यहां पर के बाद 2 की ताकत 4 16 16 के हिसाब से यहां पे जाना पड़ेगा मुझे. तो 10.25.224.0 से जाना पड़ेगा नेटवर्क अपीयरेंस 10.25.224.1 फर्स्ट यूजेबल अपीयरेंस 10.25.239.254 लास्ट यूजेबल अपीयरेंस 10.25.239.255 ब्रॉडकास्ट अपीयरेंस बनेगी. ये मेरे पास 4000 होस्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई. यहां पे इन्हें ओके तो करते जाए. हमारे पास 32000 की हो गई यहां पे ओके, 16000 की भी ओके हो गई मेरे पास और 8000 की भी ओके हो गई. ठीक, 4000 भी ओके हो गई मेरे पास. अब आते हैं लास्ट 2000 1500 and 250 के ऊपर. तो यहां पे मेरे पास आईपी है 10.1234567 8 1 2 3 4 5 6 7 8 256. कितनी होस्ट की जरूरत थी? 2000 की. तो 512 1024 2048. तो मैं यहां पे 5 बिट्स को ऑन कर लेता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 sorry 3 4 5. तो 8 to 8 16 16 5 21. Subnet mask kya banegi? 25.25.248 likh sakte ho nahi .0 10.0.0.0/21. ab here ke paas 88 ke hisab se jayega third rotate r ke hisab se jayega. To ye main pe yahan pe type kar leta hu 10 dots. Kya likhta hu yahan pe? 25.240 se start deni hai. मेरे पास नेटवर्क अपीयर 10.25.240.1 फर्स्ट यूजेबल अपीयर 10.25.8 के लिए ऐसे 247.254 लास्ट यूजेबल अपीयर 10.25.247.
तो फिर ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आज़ार की, आज़ार होस्ट की रिक्वायरमेंट है 10.1.2.3.4.5.6.7.8. मेरे पास कितने भी सॉन थे वहाँ पे, फाइव यहाँ पे सिक्स ऑन करे तो 1.2.3.4.5.6.1.2 यह के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 256 में से 512 1024 तो यूएस के सबनेट मार सकते हैं 205.205.252 लिख सकते हैं .0 10.0.0.0/22 लिख सकते हैं हम लोग। तो यह के पास जाएगा 4 के हिसाब से 2^4 2 = 4 चार के हिसाब से, थर्ड ऑक्टेट चार के हिसाब से जाएगा तो 10.205.248 से स्टार्ट होगा .0 नेटवर्क एपीएड्रेस 10.205.248.1 फर्स्ट यूजेबल एपीएड्रेस और 10.205.251.254 लिख सकता हूँ, लास्ट यूजेबल एपीएड्रेस 10.255.251.255 ब्रॉडकास्ट आईपीएड्रेस हमारे पास बनेगी। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास 500 होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 10.1.2.3.4.5.6.7.8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्योंकि मैं 0 ये कर लेता हूँ और 8 बिट्स यहाँ पे 256 यहाँ पे होगी मेरे पास और एक यहाँ के पास 512 तो मैं यहाँ पे 2f.2f.2454.0 लिख सकता हूँ। तो कहाँ पे 0 ज़्यादा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेंशन ना ले, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार इस 80 बिट्स आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो 10.0.0.0/23 तो यह के पास 2 के हिसाब से जाएगा, 2 के हिसाब से आईपी जाएगी तो 10.255.252.252.0 नेटवर्क आई पी एड्रेस 10.255.252.1 फर्स्ट यूजेबल आई पी एड्रेस 10.255.253.254 लास्ट यूजेबल आई पी एड्रेस 10.255.253.255 ब्रॉडकास्ट आई पी एड्रेस बनेगी। तो 512 मेरे पास यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक। लास्ट मेरे पास क्या होगा, 250 की मैंने ऑप्शन वर्क की थी, 2000 कंप्लीट हो गई मेरे पास, 1000 भी कंप्लीट हो गई, देन 500 भी कंप्लीट हो गई, लास्ट 250 का ऑलरेडी हम जैसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईपी क्या होगी मेरे पास 10.1.2.3.4.5.6.7.8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 तो 250 की मुझे होस्ट रिक्वायर्ड थी। तो मैं आप लिखना चाहता हूँ कि 2f.2f.2f.0 लिख सकता हूँ 10.0.0.0/24 सबनेट मास्क क्लास सी की हो गई, आईपी क्लास ए की है। इन्हें भी लोग एफएलएसएम कहते हैं जो कि एफएलएसएम कुछ और चीज़ है, ठीक है, जहाँ के पास सबनेट मास्क फिक्स आ रहा हो, जब आप सबनेटिंग करते हो मैंने स्लैश 30 कर ली, अब ये तो आपके पास वीएलएसएम चल रहा है, ठीक है, आप जब आप सबनेटिंग करते हो आपके पास जितने भी सबनेट्स आए चाहे 2 हो 4 हो 8 हो 16 हो 32 हो 64 हो 128 हो 512 जितने भी जिसके सबनेट मास से हमारी हो उसे एफएलएसएम कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, मेरा पास आई पी एड्रेस है 50.10.205. क्या लिखो 254.0, ठीक है, नेटवर्क आई पी एड्रेस 10.255.254.1 फर्स्ट यूजेबल आई पी एड्रेस 10.255.254.254 लास्ट यूजेबल आई पी एड्रेस 10.255.254.255 ब्रॉडकास्ट आई पी एड्रेस बनेगी। यहाँ पे मेरे पास क्या कंप्लीट हुई, एंड थर्ड ऑक्टेट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली क्लास ए की, क्लास ए की VLSM इन केस ऑफ VLSM। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कि फोर्थ ऑक्टेट के ऊपर काम कर ले। अस्सलामु अलैकुम।